हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल गैस्ट्रो ज्ञान में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है पत्नी को अपनी मुट्ठी में करने का चमत्कारी टोटका। जी हाँ, जो लोग परेशान रहते हैं अपनी पत्नी से, जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन वो किसी ऐसे अनबन में फंस चुके हैं कि अब वो परेशानी उनसे पीछा छोड़ने का मन ही नहीं कर रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं आपकी पत्नी की। अगर आपकी पत्नी आपसे हरदम लड़ाई झगड़े करती है, आप दोनों में तकरार होती रहती है, तो ये चमत्कारी टोटका जरूर कीजिएगा। पति पत्नी में प्यार कायम रखने का ये चमत्कारी उपाय है, जिसमें आप दोनों में इतना प्यार बढ़ जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि इतना प्यार शायद आपने कभी किसी से किया हो। ऐसे चमत्कारी उपाय आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कि मदद करना चाहूँगा। हमारा कोई मकसद नहीं है अपने इस YouTube में व्यूज़ बढ़ाने का, हमारा मकसद है आपकी हर समस्याओं का जड़ से समाधान करना, ताकि जो लोग परेशान हैं उन्हें उनकी समस्याओं का हल मिल सके। तो दोस्तों, जो लोग परेशान हैं अपनी पत्नी से, उनके लिए तो ये चमत्कारी वास्तु उपाय हैं, ज्योतिषी उपाय हैं। दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं कैसे आप अपनी पत्नी को अपना गुलाम बना सकते हैं। पत्नी वशीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले शनिवार के दिन एक उपाय करना होगा। शनिवार के शाम को 6 बजे निश्चित समय पर अपने सावन मंत्र का 21 बार जप करना है। अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखते हुए सामने अपने दीपक जला लेना है और फिर वशीकरण मंत्र का जाप शुरू कर देना है। दोस्तों, आपने इस क्रिया को अगले शनिवार तक लगातार दोहराना है। 1 सप्ताह तक ये काम कार्य चलेगा। अगले शनिवार को भैरव बाबा की पूजा करके इस साबर मंत्र का 21 बार फिर से जाप करना है और आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। साबर मंत्र इस प्रकार से है, ओम कुरुकुराय वशीवरणाय वशीभूताय पत्नी वशीकरणाय न लाते ओम वशीभूताय स्वाहा। ये वशीकरण मंत्र था, तो इस क्रिया को आपने दोहराकर बड़ी आसानी से वशीकरण कर पाएंगे, अपनी पत्नी को अपना गुलाम बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।